तो इसमें ये बताया गया है कि फ्रिक्शन ज़रूरी भी है, हम चल पाते हैं बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल यही है, हम जब चलते हैं तो फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करती है, मैं आगे चल रहा हूँ, फ्रिक्शन कहाँ एक्ट कर रही है, पीछे की आगे, कितने लोग पीछे बोलते हैं, कितने लोग आगे बोलते हैं, अच्छा ठीक है, मैं स्लाइड करता हुआ जा रहा हूँ, घिसड़ता हुआ जा रहा हूँ, फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करेगी, पीछे, ओके ध्यान से, अगर मैं स्लाइड करता हुआ जाता हूँ तो फ्रिक्शन पीछे है, पहला रूल क्लियर। जब मैं चलता हूँ, चलने का प्रोसेस ऐसा है, पैर जो रखता हूँ तो पैर को पहले पीछे करता हूँ, पीछे इस तरीके से, जब पीछे करता हूँ ताकि मुझे फ्रिक्शन मिले, और फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करती है, आगे। तो जब हम चलते हैं तो फ्रिक्शन पीछे एक्ट नहीं करती, फ्रिक्शन आगे एक्ट करती है। फिर से देखें, जब मैं चलता हूँ तो मैं पैर को पीछे की तरफ लगाता हूँ, पीछे की तरफ, और पीछे अगर पैर लगाता हूँ तो फ्रिक्शन आगे, अगर फ्रिक्शन अगर मेरा फ्रिक्शन है ही नहीं तो पैर पीछे लगाऊंगा तो फिर फोर्स आगे मिलेगी नहीं, तो फिर क्या, मैं फिसल ही जाऊंगा और क्या होगा, मैं लगाता रहूंगा फोर्स, मैं आगे मूव ही नहीं करूंगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी के अंदर अगर तैरना है तो पानी को पीछे, तो बदले में रिएक्शन आगे, ऐसे चलते हुए भी सेम है, अगर हम फोर्स पीछे लगाएंगे चलते हुए तो जब हम चलते हैं तो हमें पता नहीं लगता लेकिन पैर पीछे की तरफ लगता है, तो जब पैर पीछे लगता है तो फ्रिक्शन कहाँ करती है, आगे। ध्यान से, जब चलते हैं या भागते हैं तो फ्रिक्शन हेल्प करती है आगे, जब स्लाइड करते हुए जाते हैं तो फ्रिक्शन पीछे, याद रहेगा यहाँ तक, ठीक। तो ये हेल्प भी करती है हमें, मैंने बता दिया। और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अब हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे।